जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय महाकाल, जय जिनेन्द्र। सभी मित्रों का एक और बार में हार्दिक स्वागत करता हूँ। चर्चा करते हम सिल्वर के बारे में। काफ़ी लंबा जो ट्रेंड है वो अभी चल रहा है। कल भी ये रूल्स के बारे में चर्चा करी थी दोस्तों कि जब तक आप ये रूल्स को फॉलो ना करो तब तक ट्रेडिंग में थोड़ा सा सावधान रहिए, हो सके तो दूर रहिए। और ये सारे रूल्स हम लगातार जो है वो वीडियो के स्टार्टिंग में बताते रहते हैं आपको, ताकि आपको थोड़ा सा अलर्ट कर पाए, ध्यान रख पाए। अब शुरू कर देता हूँ दोस्तों, क्योंकि आज जो है वो शायद आपको ज़्यादा ज़रूरत हो सकती है ये लेवलों की, तो उसके बारे में जो है वो बात कर लेते हैं। पहले बात कर लेता हूँ सपोर्ट के ऊपर। काफ़ी लंबी तेजी कल रात से जो है वो दोस्तों शुरू कर दी है। तो यहाँ पर जो है वो पहला सपोर्ट नज़दीक का अगर आप देखना चाहो तो 78,200 के आसपास आता है। नज़दीक का लेवल बता रहा हूँ कि ये लेवल अगर नीचे काटता है तब जाकर ही कोई करेक्शन की संभावना बन सकती है। जब तक वो लेवल ऊपर है तब तक जो है वो करेक्शन के बारे में थोड़ा सा हमें जो है वो सावधान रहने की ज़रूरत है, हो सके तो थोड़ा सा दूर रहिए। दूसरा बड़ा लेवल है दोस्तों 77,000 का, मतलब 78,200 से 77,000 ये जो गैप छोड़ के गया था, अब ये वाला जो दायरा है इसी को जो है वो हम एक मान लेते हैं कि ये इसका अब एक सपोर्ट जोन बन जाएगा आने वाले समय के लिए। जब तक अब 77,000 के नीचे नहीं जाएगा तब तक जो है वो थोड़ी सी परेशानी बनती रहेगी। कल हमने एक लेवल चर्चा किया था कुछ 76,000 के आसपास, लेकिन अब वो थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अभी चल रहा है दोस्तों 79,650, उसका हाई लगाया है जो अभी मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। लगभग लगभग 10 बज रहे, 10 और 6, सुबह 4 तारीख है, 4/4/2024। लगातार हम चर्चा यही करते आ रहे हैं कि हो सके तो सिल्वर में शॉर्ट में सावधान रहिए। 70,500 का लो आपको याद होगा दोस्तों, लगभग लगभग 1 महीना हो गया कि ये एक बड़ा लेवल है, लक्ष्मण रेखा है। अगर ये टूटा तो ठीक है, नहीं टूटा और तो यहाँ से तेजी भी उतनी बढ़ी आएगी। फिर 71,300 का एक लेवल चर्चा किया था, वहाँ से अगर हम चेक करें दोस्तों लगभग लगभग 8,000 पॉइंट 1 से 1.5 महीने में बढ़ चुका है सिल्वर। और ये सारी जानकारी जो है वो आपको यूट्यूब पर भी बताने का कोशिश किया है, और लाइव क्लासेस के अंदर कल रात को भी जो है वो जुड़े थे, लाइव क्लास किया था, वहाँ पर भी बात करी थी। सीधा सीधा एकदम स्पष्ट शब्दों में बताया था, चर्चा करा था कि अगर ये 78,600 के ऊपर निकले तो हाथ जोड़कर प्रार्थना है, हो सके तो शॉर्ट से दूर रहना। वहाँ से कल रात से दोस्तों अभी देखे तो 1,000 पॉइंट बढ़ चुका है। कल रात से ही बात कर रहा हूँ, ज़्यादा दूर की बात नहीं, भी तो पूरे शायद जो है वो 12 घंटे हार्डली हो गए, 9:15 बजे चालू किया था, 12-13 घंटे पहले ही बात है ये। तो लाइव क्लास में तो हम डिटेल में चर्चा करते हैं। आप में से बहुत सारे दोस्त ये भी जो है वो पूछते होंगे या सोचते होंगे कि क्या मैं खुद ट्रेड करता हूँ नहीं करता हूँ, तो हम खुद भी काम करते हैं दोस्तों, और उसका स्क्रीनशॉट प्रॉफिट लॉस का वो भी ग्रुप के अंदर शेयर करता हूँ, और जो मैं पोजीशन बनाता हूँ वो भी वहाँ पर आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर ये वाली पोजीशन बन सकती है, आपको ठीक लगे, आपकी कैपेसिटी हो उस अनुसार कर सकते हो। मैं अपनी पोजीशन शेयर करता हूँ, ठीक है, जो भी मैं काम करता हूँ वो वहाँ पर, या कुछ आइडिया देने का कोशिश करता हूँ वहाँ पर, कोई रिकमेंडेशन नहीं होता है। ध्यान रखना, ये सोचकर मत आना कि हमें रोज ट्रेडिंग इंट्राडे के हिसाब से लेवल मिलेंगे, मैं बाय कर लूँ सेल कर लूँ, वो बिल्कुल नहीं होगा। पोजिशनल एक व्यू होता है, उसके हिसाब से चर्चा करते हैं। तो अगर आपकी इच्छा हो लाइव क्लास में तो देख सकते हो। अब सपोर्ट ये वाला हो गया है, ये बताना, ये इसके लिए बता रहा हूँ क्योंकि आप में से बहुत सारे दोस्त जो है वो कमेंट करके मुझे बताते भी है बहुत बार, और आपको भी शायद ये सवाल होता होगा। और अगर मैं PNL बताऊँ तो आप में से बहुत सारे दोस्त वहाँ पर जुड़ भी जाएंगे, लेकिन वो मैं नहीं बता रहा हूँ, वहाँ पर लाइव क्लास में भी बताया है कि वो मेन, आप वहाँ पर आओ तो सीखने के पर्पज से आओ, वो मेरा मेन इंटेंशन है, ठीक है। बाकी अपना तो हम खुद भी कर लेते हैं, लेकिन जो भी समझ में आता है वो आपके साथ शेयर कर लेता हूँ, ठीक है। अब आगे चलते हैं, तो 79,000 जो है वो 500 का एक लेवल है, ऊपर में कहाँ पर जा सकता है लाइव क्लास में भी चर्चा करिए। अगर आपको जानना है ऊपर में कहाँ पर जा सकता है तो आपको फ्री में बता देता हूँ, और 3-4 महीने 5 महीने पहले भी बताया है। आप यूट्यूब पर सर्च करना सिल्वर दिवाली 2024 RVS स्ट्रेटर्जी, या तो सिल्वर 86,000 RVS स्ट्रेटर्जी, ऐसा आप लिखोगे तो आपको यूट्यूब पर ही पहला वीडियो मिल जाएगा दिवाली 2024 का, कि उसमें क्या हो सकता है वो देखोगे। तो भी लगभग लगभग 4-5 महीने पहले भी बात करी थी, मार्केट
तकरीबन तकरीबन उसी हिसाब से चल रहा है। और वो वीडियो में ये भी बताया था कि ये वीडियो आप सेव करके रखना, आपको ये पूरे साल काम में आएगा। अगर आपने वो भी देखा होता तो भी आपको बेनिफिट हो जाता। बराबर, बात कर लेता हूँ गोल्ड के बारे में। गोल्ड में टॉप का सिग्नल कब मिल सकता है वो आपको यहाँ पर अब एक जो है वो संकेत जो मुझे मिल रहा है, अभी दूर का है लेकिन जो मिल रहा है वो बता रहा हूँ, 68,800 ये वाले लेवल के ऊपर ध्यान रखना। अगर ये वाला लेवल जो है वो काट के नीचे रुक जाता है तो मैं मान सकता हूँ कि यहाँ पर गोल्ड का एक टेम्पररी टॉप बन सकता है। फिर आगे आगे धीरे धीरे देखेंगे कि कितना करेक्शन होता है, लेकिन अब ये लेवल हमें ध्यान में रखना है 68,800। उसके नीचे गोल्ड में कोई बड़ा करेक्शन होगा, छोटे छोटे लेवल आते रहेंगे 200 400 500 पॉइंट का, जैसे कि ये करेक्शन हुआ था। अब ऐसे छोटे मोटे करेक्शन दोस्तों यहाँ पर नहीं बात करूँगा क्योंकि यहाँ पर उसका समय नहीं है। समय होगा तो 200 400 पॉइंट की चर्चा भी हम आगे करते थे, लेकिन अभी उसका समय नहीं है। फिर भी अगर आप 200 400 500 पॉइंट के लिए काम करते हो तो आप मित्सु को देख सकते हो। मित्सु आपकी जो है वो पूरी पूरी मदद करेगा। मित्सु कौन है वो लाइव क्लास में चर्चा किया हुआ है, वो एक ट्रेडिंग सेटअप है मेरा जहाँ से हम देख कर काम करते हैं, तो वो आप एक बार अगर देखने की चाह रखते हो तो देख सकते हो। तो बड़ा सपोर्ट ये रहेगा। बीच में छोटे छोटे लेवल अगर आप देखना चाहो तो वो आपको खाली आइडिया के लिए बता देता हूँ, एक है 69,500, उसके नीचे है 69,050 और 68,800, ये छोटे छोटे लेवल है। ऊपर की साइड में रेजिस्टेंस देखे तो 70,050, 70,050, 70,350, 70,600, ये कुछ रेजिस्टेंस अभी ध्यान में रख सकते हैं क्योंकि ऑल टाइम हाई के ऊपर है, तो ये भी ध्यान रखना। डॉलर टर्म के ऊपर जो है वो सिल्वर के ऊपर चर्चा कर देता हूँ दोस्तों। पहले गोल्ड है तो गोल्ड की चर्चा भी कर लेते हैं। 2280 का लेवल जो है वो हम ध्यान में रखेंगे। 2280 के नीचे जो है वो कुछ खराबी हो सकती है, ज़्यादा बड़ी खराबी होगी 2250 के नीचे। तो ये दो लेवल जो है वो हमें ध्यान में रखने आने वाले समय के लिए, 2250 2280। छोटा मोटा करेक्शन जो है वो 90 के नीचे होगा, 8-10 पॉइंट के करेक्शन बताया दोस्तों, वो मित्सु आपको बता देगा बेहतर तरीके से। मैं यहाँ पर बड़े लेवल की चर्चा कर रहा हूँ क्योंकि ट्रेंड भी बड़ा चल रहा है। ठीक है, तो ये दो सपोर्ट ध्यान में रखेंगे। ऊपर में रेजिस्टेंस जो है वो ये 2305 के ऊपर चलता है, तो 2320 2335 2350 ये तीन लेवल जो है वो ऊपर की साइड में रेजिस्टेंस निकल के आते हैं। बात कर लेता हूँ अब डॉलर टर्म के ऊपर सिल्वर के अंदर। तो सिल्वर के अंदर जो है वो डॉलर टर्म के हिसाब से अगर हम देखने जाए तो सपोर्ट रहेगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक संकेत मिलने की कोशिश है, 26.90 के नीचे अगर ये रुक जाता है तब जाकर थोड़ा सा करेक्शन की उम्मीद हम बना सकते हैं। बाकी अभी सिल्वर में दोस्तों कुछ मतलब उम्मीद ऐसी है कि नई शुरुआत, ठीक है, नई शुरुआत का क्या मतलब है कि यहाँ से एक नई शुरुआत ऊपर की साइड के होने की संभावना है। अब यहाँ पर 2 मिनट में तो मैं आपको पूरा नहीं समझा सकता हूँ, लेकिन कल रात को लगभग लगभग 45 मिनट पूरा चर्चा किया है, एक एक सिल्वर गोल्ड उन सब के बारे में बात किया है कि सिल्वर में तेजी आ रही है उसके कारण क्या है, क्योंकि आपको तो मेन तो कारण भी जानना है, तो वहाँ पर कारण भी बताया है कि ये कारण है और इसके वजह से जो है वो संभावना है तेजी की। वो सब जो है वो थोड़ा सा पर्सनली रखा है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर यूट्यूब ओपन प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर खुल के कुछ चीज़ें नहीं मैं शेयर कर सकता हूँ, मेरी भी कुछ लिमिटेशन है, इसके लिए वहाँ पर अलग प्लेटफॉर्म बनाया है। अगर आप जुड़ने की इच्छा रखते हो तो जुड़ सकते हो, लाइव क्लासेस के अंदर क्या सीखने को मिलेगा ये सारा आप देख सकते हो। और सबसे खास बात है दोस्तों, 90 दिनों तक जो है वो हफ्ते में 2 बार जुड़ते हैं 90 दिनों तक, और एक एक चीज़ के बारे में हम चर्चा भी करते हैं, करंट ट्रेंड की भी बात करते हैं कि क्या हो सकता है। कॉपर के अंदर भी जो है वो एक करंट ट्रेंड हमने निकाला था, ट्राई किया था 735 के ऊपर जो है वो तेजी बन सकती है, तो वहाँ से भी लगभग कुछ 790 चल रहा है अभी तो। ठीक है, तो ऐसे जो भी ट्रेंड समझ में आते हैं वो वहाँ पर हम चर्चा करते हैं। एनजी के बारे में भी बताया था ये अभी जो चल रहा है वो, तो अभी 26.90 का जो लेवल है वो वहाँ पर हमें ध्यान रखना है। 26.90 अगर नीचे काटता है तो फिर करेक्शन हो सकता है। ऊपर की साइड में 27.35 के ऊपर चलता है तो फिर धीरे धीरे करके जो है वो और ऊपर जाएगा। ऊपर की कोई सीमा नहीं है दोस्तों, हमें खाली ये नीचे का सपोर्ट जो है वो खाली ध्यान में रखना चाहिए। अब बात कर लेता हूँ यहाँ पर हमारा एनजी और क्रूड के बारे में। तो एनजी जो है वो उसमें कल भी बात करी थी कि 160 का लेवल है। अब आपकी आंखों के सामने है दोस्तों कि 160 का रेजिस्टेंस है, आपको ये कल भी जो है वो आप में से बहुत सारे दोस्त जुड़े होंगे तो ध्यान होगा। अब हाई क्या लगाया है 159.90, कितना करेक्शन कर दिया है 154.80, लगभग लगभग 5-1 पॉइंट का करेक्शन तो आपकी आंखों के सामने हो रहा है, इससे ज़्यादा तो कोई क्या करे।
इससे ज़्यादा तो अगर आप जो है वो प्रूफ मांगो भी मुझसे तो भी मैं क्या दूँ। ये तो पूरा यूट्यूब का जो वीडियो है वो आप देख सकते हो। 145 का लेवल जो है वो सपोर्ट के लिए ध्यान में रखना। 145 160 का एक जो है वो बड़ा दायरा है, 160 के ऊपर चलता है तो शॉर्ट में सावधान रहने की ज़रूरत है, ऐसा मुझे लग रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये कर ही देना, इसके ऊपर जो है वो तेज़ी थोड़ी सी बढ़ सकती है। अपने रिस्क कैपिटल के अनुसार काम करना और ट्रेडिंग करने से पहले ये वाले रूल को पहले पढ़ लेना, लिख लेना डायरी में, फिर आप अपना काम करना, तो लॉस का जो है वो कारण नहीं बनेगा। अब बात कर लेता हूँ जो है वो यहाँ पर क्रूड के बारे में। क्रूड के अंदर जो है वो भी जो है वो यहाँ से एक बड़ी तेज़ी चल रही है, तो क्रूड के अंदर जो है वो उसमें भी 7050 का एक लेवल हमने चर्चा किया था। 7050 के ऊपर जो है वो काफ़ी अभी बढ़िया जो है वो चल रहा है, तो नज़दीक का जो सपोर्ट है वो अगर आप देखना चाहो तो 7125 के आसपास है। नज़दीक का बोल रहा हूँ दोस्तों, बड़ा सपोर्ट जो है वो आपको बता देता हूँ 7020 के आसपास। 7020 का लेवल अगर कटता है तभी कोई बड़ी गिरावट हो सकती है, जब तक वो लेवल के ऊपर है तब तक सावधान रहने की ज़रूरत है, स्पेशली शॉर्ट के अंदर। ऊपर में कहाँ पर जा सकते हैं, ऊपर में मैदान खुला है, कोई सीमा नहीं है, लेकिन हमें जो है वो ये लेवल के ऊपर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 70-20 ये वाला लेवल अभी के हिसाब से मुझे लग रहा है ध्यान में रखने लायक है। बाकी छोटे छोटे 25-50 पॉइंट के लिए मैंने बताया दोस्तों, आपको मित्सु जो है वो बता सकता है बड़े आराम से, वहाँ पर जो है वो छोटे छोटे ट्रेंड आपको निकाल के दे सकता है। तो ये वीडियो दोस्तों यहाँ पर करता हूँ समाप्त। अच्छा लगे तो लाइक का बटन भी साथ में दबाते रहिए, अपने दोस्तों के साथ मित्रों के साथ शेयर करिएगा ये वीडियो को। तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। डिस्क्लेमर दे देता हूँ, जो भी चर्चा हमने करी है वो एजुकेशन के लिए है, मार्केट को सीखने के लिए, समझने के लिए है। लाइव क्लास के अंदर भी जो भी चर्चा करता हूँ दोस्तों वो भी वहाँ पर मार्केट में मैं अपना व्यू रखता हूँ कि ऐसा मुझे लग रहा है, कुछ कारणों के चर्चा करते हैं, कुछ हमारे नियम हैं वो नियम के आधार पर हम जो है वो एक प्रिडिक्शन निकालने का प्रयास करते हैं, तो वो भी वहाँ पर कोई बाइंग सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं होता है, वो भी ध्यान रखना। तो ये सारी चीज़ें जो है वो दोस्तों आप थोड़ा सा सतर्क रहिए, सावधान रहिए अभी करंट ट्रेंड के अंदर, जो कॉमोडिटी के अंदर मूड माहौल है दुनिया के अंदर, थोड़ा सा सावधान रहने का समय है। सभी मित्र जुड़े इस समय निकाल कर, इसके लिए सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।